ऐसा माना जाता है कि वो बाबा थे पाकिस्तान साइड से आए थे, जैसे अंदर हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई थी, जो गुरु नानक देव जी उनकी फोटो भी थी, और फिर साइड में मजार भी बना रखी है। इस आसपास जितने भी पहाड़ है ना, उन सारे पहाड़ों से यहाँ पे पानी आ जाता है। जो हाउस बोट वाला कंसेप्ट है ना, ये अंग्रेज लेके आए थे। 2 से 3 करोड़ के आसपास एक हाउस बोट को बनाने का खर्चा हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस दावर, गुरेज वैली, कश्मीर। तो भाई साहब, आज एक पंगा हो चुका है मेरे साथ। पंगा क्या हो गया है कि मुझे ननिहाल जल्दी पहुंचना पड़ेगा। ननिहाल में कोई इमरजेंसी आ गई है। ऐसी खतरनाक टाइप वाली कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स वाली है जहाँ पे मेरे साइन और OTP जरूर चाहिए होगा, और वो काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे करना पड़ेगा। तो इसी कारण से जो कश्मीर वाली ट्रिप है वो मुझे आधी छोड़ के जानी पड़ेगी। बाकी ये देखिए, यहाँ पे मैं रुका हुआ था अल्पाइन रिजोर्ट नियर ITI गुरेज, और ये है सर जी। कैसे हो सर? बिल्कुल। आ जाओ, आपको श्रीनगर घुमा लाऊं। हाँ, आज नहीं, दूसरी बार आएंगे। कभी दूसरी बार, कभी आएंगे दूसरी बार। होटल वापस कब ओपन होगा सर? ओपन होगा या अप्रैल में? अप्रैल में, नवंबर के आधे में बंद हो जाएगा। नवंबर में ना हम यहीं रुकेंगे। नवंबर में रुकेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। उसके बाद दिसंबर जनवरी और 3-4 महीने बंद रहता है गुरेज। रास्ता जल्दी खुल गया तो हम अप्रैल में मार्च में ही आ सकते हैं। उस वक्त यहाँ बर्फ होगी, बड़ा अच्छा मौसम होगा। अच्छा, टूरिस्ट यहाँ रहना पसंद करेंगे। बर्फ नहीं, नहीं सही है सर जी, ये वाला मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है यहाँ के लिए। थोड़ा है, इसमें थोड़ा सर्दी है। सर्दी भी है और बर्फ भी नहीं है। अभी बर्फ, सर्दी हो, अगर आप बर्फ के मजे ले लो तो कोई बात नहीं। आपको होता है कि चलो कोई नहीं यार, बर्फ तो देख ली। कश्मीर के इस एरिया के अंदर बहुत गलत टाइम पे आया हूँ। अगर ढंग से देखा जाए ना तो मैं कश्मीर ही बहुत गलत टाइम पे आया हूँ, क्योंकि इस टाइम पे कश्मीर को घूमने का इतना कोई मजा नहीं है। जितने मजे मुझे लद्दाख में आ रहे थे ना, इतने मजे मुझे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं अभी घूमने में। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ का वेदर। थैंक यू सर जी, जल्दी मिलते हैं। आ जाओगे ना डायरेक्ट आप? अगली बार अच्छे मौसम में आऊंगा, ऐसे मौसम में नहीं आऊंगा। अगले बार आ जाओ 15 मई के बाद। 15 मई के बाद मई, हाँ, जून, जुलाई, अगस्त, उस टाइम सही रहेगा। बहुत अच्छा, चलो ठीक है सर। दोस्तों को भी लाना पक्का सर जी, दोस्तों को भेजूंगा भी यहाँ पे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह के हवाले। चलो भाई जान, हाँ सर ठीक। पहले पेट पूजा करेंगे ना? बंडीपुरा में करेंगे। बंडीपुरा में करेंगे, आप बताओ। आपकी मर्जी, आप जहाँ बोलेंगे वहीं पे कर लेंगे, आपको जो अच्छा लगे। भैया आपके एरिया में आ रखा हूँ मैं, अगर आप हरियाणा राजस्थान में आओगे तो मैं बोलूँगा कि आप बताओ कहाँ करें। मेरे को इतनी भूख नहीं है वैसे तो। ज़्यादा मज़ेदार किधर मिलेगा? बंडीपुरा में। हाँ बंडीपुरा, चलो बंडीपुरा में करते हैं फिर, ठीक है। तो भाई साहब, अब हम निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। भाई साहब, सेनिटल्स ऑफ गुरेज, राजदान पास, एल्टीट्यूड्स 11,672। हाँ भाई, जो राजदान पास है उसके ऊपर हम पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ से दूसरी साइड हमें जाना है। क्या नाम है उसका? बंडीपुरा, जहाँ पे खाना खाएंगे हम। ठीक, हाँ। भाई अभी राजदान पास को क्रॉस करके थोड़ा सा ही आगे आए थे, और यहाँ पे एक पीर बाबा की मजार है। तो यहाँ पे एक बाबा की मजार है, ऐसा माना जाता है कि वो बाबा थे पाकिस्तान साइड से आए थे। पीर बाबा की मजार के एंट्रेंस के ऊपर इधर सिखिज्म का साइन बना हुआ है, एक ओंकार, इधर ओम बना हुआ है, और इधर इस्लाम का जो साइन होता है। भजन, चांद और तारे का मतलब क्या होता है? पहले से रखा है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मतलब नहीं है। चांद तारे पहले से रखा है, जहाँ पे मुस्लिम का ये होता है वो लगा लेते ही। अच्छा, जैसे वो सिखिज्म का बन गया, ये ओम हो गया, और ये बुद्धिज्म का है शायद। हाँ, बाकी आप लोग भी मानते हैं इधर? आते हैं लोग, काफी काफी लोग आते हैं। अच्छा भाई, अगर कोई मन्नत वन्नत मांगता है तो इधर वो चादर चढ़ा के जाते हैं? हमने बहुत मन्नतें मांगी, यहाँ पे सारा कंप्लीट हो गया। बहुत सही यार, पर इसकी देखरेख सारी चीज वो इंडियन आर्मी करती है। आर्मी कर रही है। जैसे अंदर हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई थी, जो गुरु नानक देव जी उनकी फोटो भी थी, और फिर साइड में मजार भी बना रखी है। बिल्कुल सही सर। मजार में मतलब कि बॉडी दफन होती है ना अंदर? हाँ। अच्छा, ठीक। और अब हम जा रहे हैं नीचे बांदीपुरा की तरफ, जहाँ पे जाके हम खाना खाएंगे। भाई हम बांदीपुरा में पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने खाना खाया है, और यहाँ पे अब हैं। कौन, ये कौन सा लेक है? वुलर लेक। वुलर लेक, इसकी साफ सफाई नहीं होती क्या? बिल्कुल होता है, अभी पानी डाउन हो गया है तो। अच्छा, पानी इसमें बढ़ेगा तो बहुत अच्छा, गर्मियों में ना व्यू आ जाएगा।
इस आसपास जितने भी पहाड़ है ना, उन सारे पहाड़ों से यहाँ पे पानी आ जाता है। सर्दियों में जम जाता होगा ना ये भी? सर्दियों में हाँ तो जम ही जाता है। यहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है श्रीनगर में? यहाँ पे ज्यादा पड़ती है। यहाँ पे ज्यादा पड़ती है। ये भाई वुलर लेक। भाई बहुत लेट हो गया श्रीनगर पहुंचने में, पहले उन भाई को घर पे छोड़ के आया और अब मैं जा रहा हूँ हाउस बोट की तरफ। भाई मैं डल लेक के बिल्कुल पासो पास पहुंच गया हूँ। भाई पहुंच चुका हूँ मैं श्रीनगर में और रात को माहौल यहाँ पे एकदम नेक्स्ट लेवल हो रखा है भाई। पहले ना यहाँ पे लाइट नहीं थी, अब थैंकफुली लाइट तो आ गई है और अब यहाँ से मैं शिकारा पकड़ के उस साइड जाना पड़ेगा मुझे। पहले पार्किंग से ना अपना सामान लेके आ रहा हूँ मैं। श्रीनगर की जो नाइट लाइफ है ना वो थोड़ी अलग टाइप की है, उसको देखने में भी और मस्त मजे आएंगे। और कल सुबह सुबह कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे ड्रोन भी फ्लाई करूँ, सुबह सुबह अच्छी ड्रोन फ्लाई हो जाएगी। पार्किंग के भाई मैंने पे किए 300 रुपये पर नाइट और हाउस बोट मुझे बड़े सस्ते में मिल गई 1000 रुपये पर नाइट में। अभी डल लेक पे ही हूँ, यहाँ से मुझे शिकारा पकड़ के जाने पड़े। शिकारा यहाँ पे बोट को बोलते हैं, जो छोटी बोट होती है ना उसको। सामान लेके आ गया हूँ मैं और आगे शिकारा शायद मुझे मिल जाएगी उधर। चलो थैंक यू सर। आपका नाम क्या है भाई जान? आदिल। आदिल, आदिल भाई यहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं क्या? ड्रोन है? हाँ फ्लाई कर सकते हैं क्या? इधर है ना सिक्योरिटी का मसला। अच्छा मॉर्निंग में ट्राई कर सकते हैं ना? मॉर्निंग में ट्राई कर सकते हैं अभी ना? भी करो कोई बात नहीं। अरे अभी तो इसकी फुटेज इतनी अच्छी नहीं आएगी। ये भाई मैं अभी पहुंच चुका हूँ अपनी हाउस बोट के ऊपर, ये देख लीजिए न्यू पाला पैलेस और ये हाउस बोट है आदिल भाई की। ये वाला रूम है? ठीक है भाई। ये थी मेरी हाउस बोट, अभी मैं एक बार उधर खाना वाना खाने जा रहा हूँ। लगभग 1 से 2 घंटे बाद इधर थोड़ा घूम घूम के फिर वापस आऊँगा। भाई सुबह शकीरा मार्केट तक भी जाती है क्या? कौन सा वेजिटेबल मार्केट? हाँ 6 बजे 5 बजे निकलना। और कितना दूर है यहाँ से? थोड़ा दूर है, अगर लगता है घंटा लगता है शकीरा से जाने का। अगर जाना होगा तो वो शिकारा वाले से पहले बात करना होता है, सुबह जल्दी आना होता है। अच्छा और नॉर्मल राइड का कितना लेते हैं? घंटे का है 800। घंटे का 800 है। वो हुक्का वाले भी होते हैं क्या यहाँ पे? वो आपको ऑन द वे मिलेंगे। अच्छा तो भाई इनसे मिले, ये आदिल भाई। आदिल भाई की हाउस बोट में मैं रुका हुआ हूँ, मस्त बंदे हैं यार। और मैंने भाई को बोला कि यार मुझे कबाब खाने, तो भाई बोलते चलो साथ चलते हैं। फिर कहाँ जा रहे हैं आदिल भाई अभी? खयाम चौक। कल मॉर्निंग में मैं आदिल भाई की जो हाउस बोट है वो आप लोगों को ढंग से दिखाऊंगा। तो भाई मैं अभी खयाम चौक पे पहुंच चुका हूं और यहां पे भाई हर जगह है ना नेक्स्ट लेवल टाइप वाले, जो कबाब की दुकानें हैं अपने, चिकन मटन सब कुछ दिख रहा है, बिरयानी यू मान लीजिए। अगर आपको नॉन वेज खाना है ना तो खयाम चौक इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। भाई नहीं, वो भी मिलेगा क्या कहवा? किधर मिलेगा कहवा? अगर ले इधर नहीं मिलेगा ऐसे? ये जगह खाली बारबेक्यू के लिए फेमस है। और कितने बजे तक खुली रहती है? 12 बजे तक। एकदम पुराना जामिया और पुरानी दिल्ली वाला सीन है। अच्छा अभी खाना खा के आ गए और वापस अब हाउस बोट में जाएंगे। ज़्यादा बुकिंग सबके पास कैसे आती हैं? ऑनलाइन किया था, रिकमेंड किया था। अच्छा मैं और आदिल भाई दोनों अब खाना खा के आ चुके हैं वापस से हाउस बोट में और यहाँ पे लाइट भी आ गई है मस्त वाली। तो बाहर से देखिए हाउस बोट कितनी प्यारी लग रही है, मस्त लग रही है एकदम। सबसे पहले तो ये देखिए, ये है डल लेक और वो है डल लेक के सामने वाली रोड जहाँ पे आपको काफ़ी शिकारा, ये छोटी छोटी जो बोट दिख रही है ना यही है शिकारा। ये वाली तो पैसेंजर बोट है, कल मॉर्निंग में इसकी मैं राइड लेने वाला हूँ, तब आप इसको और ढंग से देखेंगे। ये साइड में एक और हाउस बोट और ये है मेरी हाउस बोट जिसके अंदर मैं रुका हूँ। तो बेसिकली हाउस बोट क्या होती है? जो हाउस बोट वाला कंसेप्ट है ना, ये अंग्रेज़ लेके आए थे। देखो अंग्रेज़ों ने श्रीनगर को एज ए एक टूरिज्म डेस्टिनेशन माना और उसके बाद में उन्होंने सोचा क्यों ना यार यहाँ पे ये कंसेप्ट लेके आया जाए। तो उन्होंने लोकल्स को एक आइडिया दिया कि एक हाउस बोट टाइप बनाओ। तो मोस्टली जो इधर हाउस बोट्स हैं वो आइडिया स्टार्ट हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम से। और अगर अभी आप हाउस बोट को कंस्ट्रक्ट
करना चाहोगे तो भाई बहुत महंगी पड़ती हैं। लगभग ये मान लीजिए 2 से 3 करोड़ के आसपास एक हाउस बोट को बनाने का खर्चा हो जाता है। तो आजकल नई हाउस बोट वैसे बन भी नहीं रही हैं, और ये जो पुरानी हाउस बोट है इन्हीं को ही रिनोवेट करना और इन्हीं को ही रिपेयरिंग करके इसी पे ही हाउस बोट बनती रहती है। कई लोग एस्टिमेट बताते हैं कि पूरे श्रीनगर में 4-5 हज़ार हाउस बोट हैं, और कई लोग बताते हैं कि 2 हज़ार के पास हाउस बोट हैं। मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि टोटल कितनी हाउस बोट हैं, लेकिन मोस्टली जितनी भी हाउस बोट आपको मिलेंगी ना वो डल लेक या आसपास जो और लेक्स हैं उनके अंदर है। तो हाउस बोट का सिस्टम कैसे काम करता है, जो ये हाउस बोट है ये घूमती है, जैसे केरला वाली हाउस बोट है वो तो घूमती रहती है कैनाल्स के अंदर, यहाँ के जो हाउस बोट है वो एकदम स्टैग्नेंट है, वो वहीं पे खड़ी रहती है, वहीं पे ही रहती है। अब ये देखिए उस साइड रोड है, बीच में लेक, उस साइड से आप आओगे किसी बोट में बैठ के, शिकारा में बैठ के या फिर इस टाइप की बोट में बैठ के इधर आप पहुँचोगे यहाँ से उतर के, और भाई फिर आपकी एंट्रेंस होगी। ये देखिए अभी मैं जिसके अंदर कहूँ न्यू पाला पैलेस, बड़ी प्यारी लग रही है ना। तो ये देखिए ये नीचे पानी है, इधर पानी है, ये काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म बना रखा था, और ये मेरी एंट्री हो गई हाउस बोट के अंदर। तो इधर आप ये मैंने जूते निकाले हुए, ये रूम की चप्पलें हैं, ये देखिए आप अंदर एंट्री हुई, ये काइंड ऑफ मेन हॉल मान लीजिए, आप लिविंग रूम मान लीजिए, पूरे कालीन बिछा हुआ है भाई अंदर, इस तरीके से रूम्स होते हैं यहाँ पे, ये किचन विचन, और ये ऊपर छत पे जाने का रास्ता, और इधर ये है भाई मेरा रूम। उधर मैंने जो अपने गैजेट्स हों चार्ज लगा दिए, कुछ सामान मैं गाड़ी से निकाल के लेके आ गया हूँ, और ऊपर मस्त कार्विंग वार्विंग करके तो मस्त फैन वैन लगा हुआ है। दिन में हाउस बोट इतनी प्यारी नहीं लगती है यार, रात के टाइम पे इनकी जो खूबसूरती है ना वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अभी मैंने आदिल भाई को भेजा यार कहवे के लिए, मेरा कहवा पीने का बहुत मन कर रहा है। अभी जब हम कबाब खा के आए ना, वो टिक्का खा के आए, तुझे कश्मीरी में उसे तुझे बोलते हैं, जो बारबेक्यू खा के आए हैं, उसके बाद मेरा मन था कहवा पीने का लेकिन वहाँ मिला ही नहीं, और फिर हम वहीं से डायरेक्टली इधर आ गए। बीच में जा रही है ना ये वाली बोट, इसे बोलते हैं शिकारा राइड। यहाँ पे पहुँचते वापस से आदिल भाई को दुखी कर रहा हूँ, और आदिल भाई अभी मस्त कहवा बना के लेके आए हैं। ये अभी बनाया फिर आप एडवांस में रखते हैं? नहीं अभी बना, हाथ हाथ बन जाता, माने अभी बना, आंटी ने बनाया क्या जी? आदिल भाई मम्मी बोलते हैं या अम्मी बोलते हो? ये बोलते मम्मी। वैसे कश्मीरी में क्या बोलते हैं मम्मी को? मोजी मोजी, कोई मोजी मोजी, कोई बोलता है मम्मी मोजी, और पापा को? पापा को बोलते कोई अबू जी बोलता है, अबू जी कोई बोलता है पापा, अपनी जनरेशन वाले तो पापा ही बोलते होंगे ना अभी तो पापा। उधर भाई वो कबाब वबाब वालों भाइयों का धुआं निकल रहा है इधर। बाहर थोड़ी थोड़ी है ना भीनी भीनी सी ठंड होने लग गई है, जो यहाँ पे ठंड है ना वो गुरेज से तो बहुत कम है भाई, गुरेज में तो मस्त ठंड हो रखी थी। अभी थोड़ी देर कंबल में बैठूंगा, फिर एक बार और बाहर जाऊंगा, जब एकदम अंधेरा हो जाएगा ना तब फिर वापस आके सो जाऊंगा। लाइट चली गई है भाई रूम के अंदर, जो ये है ना क्या बोलते हैं इसको, लैंटर्न बोलते हैं, लालटेन बोलते हैं, जो भी है ये जला रखी है मैंने। कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोड शेडिंग की, लाइट बहुत ज्यादा जाती है यहाँ पे। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तब भी ये सीन था, और 2023 में भी ये सीन है, बहुत ज्यादा लाइट जाती है। रात को तो लाइट आ जानी चाहिए लेकिन पता नहीं, गवर्नमेंट हो ऐसा कह रही है कि कश्मीर में इस साल पानी कम होने के कारण डैम का जो आउटपुट हो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि यहाँ पे बिजली बनती है ठीक ठाक, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इंस्टेड ऑफ गिविंग लाइट टू कश्मीर वो बाकी स्टेट्स को बेच देती है। अब रियलिटी नहीं पता है क्या है, लेकिन कश्मीर में और खास करके श्रीनगर में जो कश्मीर की कैपिटल है वहाँ पे लोड शेडिंग की बहुत बड़ी दिक्कत है, लाइट बहुत कम रहती है यहाँ पर। मुझे लगा ये वाली जो प्रॉब्लम हुई अबकी बार सोल्व हो गई होगी, लेकिन नहीं हुई है भाई, लाइट वाला पंगा ही है यहाँ पे, लद्दाख में भी लाइट वाला पंगा है। तो अब देखते हैं भाई गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेप्स लेती है, कब लेती है, कैसे करती है, वो अब आगे देखने वाली बात है, लेकिन एटलीस्ट श्रीनगर में लाइट की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर देना चाहिए यार, कैपिटल है यार भाई। सोने का टाइम हो गया क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के शिकारा राइड पे जाना है, और उसके बाद बाकी श्रीनगर को घूम रहा है, और परसों सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा क्योंकि मुझे जल्दी अब गाँव पहुँचना है, मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगा मैं। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।